सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सभी बैंकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदर्शन अम्बाला में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया गया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बैंकों के निजीकरण को लेकर था। सभी बैंक कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि सरकार सभी बैंकों का निजीकरण कर रही है। इसी बात के विरोध में बैंकों ने प्रदर्शन किया। दिसंबर के अंदर अपनी सिर्फ केवल बैंकों की यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के ऊपर के आह्वान के ऊपर बैंकों की हड़ताल थी। उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हमारा इशू था। वो सरकार के द्वारा पिछले बजट स्पीच के अंदर मैडम सीतारमन के द्वारा ये कहा गया था कि बैंकों का दो बैंकों को इस वित्त वर्ष के अंदर वित्त वर्ष है इसके अंदर उनको निजीकरण किया जाएगा उनका, उसको लेकर के हमारी डिमांड थी। परंतु जो पिछला विंटर सेशन था उसके अंदर सरकार वो अपना एजेंडा नहीं लेकर के आई, इसलिए हमने वो दो दिन की हमारी स्ट्राइक थी। अगर अब दोबारा सरकार इस सेशन के अंदर उसको लेकर के आती है तो इसके बाद हम दोबारा फिर स्ट्राइक पर जाएंगे, या जो हमारी अपेक्स बॉडी यूनियंस हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस हैं, वो जो फैसला करेंगे उनका फैसला मान्य होगा। हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा और प्रेजिडेंट ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑल इंडिया, आज की जो स्ट्राइक का मेन उद्देश्य है, जहाँ तक बैंकों का सवाल है कि बैंकों का निजीकरण जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसके खिलाफ हम आज दो दिन की स्ट्राइक के ऊपर हैं। वैसे तो ये स्ट्राइक काल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से दी गई है, लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने आज देश के हित के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी इदारों को बेचा जा रहा है और कॉरपोरेट घरानों में खुली लूट मचा रखी है, उसके खिलाफ मैं राजेश बंसल, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। हमारी ये दो दिन की हड़ताल है जो ये कि ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के आह्वान के ऊपर ये हड़ताल दी गई है 28 और 29 मार्च की। हमारी मुख्य मांगें जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं वो ये हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए, जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको बंद किया जाए, उसके बाद जो बैंकों के अंदर भर्ती है, स्टाफ की कमी है, रिक्रूटमेंट की जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलर किया जाए, उसके साथ साथ ही जो सरकारी जो बैंकों के अंदर आम कस्टमर्स के ऊपर जो तरह तरह के चार्जेस लगा करके उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है सर्विस चार्जेस के नाम के ऊपर, वो बंद किए जाएं। और बैंकों के अंदर जो आम जनता का पैसा जमा है, आम बचत खाता है, उनके ऊपर ब्याज दरों को बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ सरकार के द्वारा जो ये करोड़ उद्योगपति हैं उनको लगातार कंसेशंस दिए जा रहे हैं, उनके ऋणों को माफ़ किया जा रहा है, उनको लेकर के हमारी ये डिमांड है कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया जाए, उनसे ऋणों की वसूली की जाए। सरकार के द्वारा लगातार उनको कंसेशंस देकर करके बैंकों को लॉस में किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत किया जाए, शाखाओं को और बढ़ाया जाए, ये सारी हमारी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई मांगे हैं। उसके अलावा जो ये ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की मांगे हैं उसके अंदर यही जो है जो कोविड के दौरान जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको प्रोटेक्शन दी जाए, मनरेगा का स्कोप है मनरेगा का उसको शहरी क्षेत्र के अंदर भी लाया जाए, उसके स्कोप को बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ जो ये हाउस होल्ड जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको 7500 रुपये महीने का राशन या नगद ये प्रदान किया जाए। NPS है, बेरोज़गारी है और जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगातार ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, इसको कम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, ये सारी हमारी डिमांड्स हैं।